मेरे संग मौजूद है एक ऐसी अभिनेत्री जो कि नंबर वन है, जो कि स्टार है, लेकिन पता नहीं क्यों वो जमीन से जुड़ी रहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीपिका पादुकोण की। दीपिका, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ एक्सप्रेस पे। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मेरे लिए शुक्रिया। नहीं, ये तो एक हकीकत है आपकी। आप ये, मैं एक राज जानना चाहता था आपसे कि अक्सर लोग इस लेवल पे आकर के एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, आप कैसे इस तरीके से इस सतह पे जुड़ी रहती हैं? नहीं, आई थिंक आप मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, पर थैंक यू। मैं अपने पिताजी को देखती हूँ जिन्होंने इतना हासिल करने के बाद भी सिंपल है, हम्बल है, ग्राउंडेड है, और मेरा ये मानना है कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, आई थिंक सक्सेस के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दीपिका, अगर मैं बात करूँ आपकी शांति से लेकर के अब तक की, तो सफ़र काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी टफ रहा, आप किस तरीके से देखते हैं इस कामयाबी की सीढ़ियों को? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक बहुत मज़ेदार रहा है। जी ऑफ कोर्स, आई थिंक हर एक का यू नो अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। हर एक फिल्म के साथ मुझे लगता है कि मैं और कुछ नया सीख चुकी हूँ, या मैं और कुछ अचीव करना चाहती हूँ, या मैं इस बार मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ, और आई थिंक It'll continue to be like. अगर बात करें जिस तरीके से एक जब स्टार्डम मिल जाता है, एक कुर्सी पर चढ़ा है, तो अक्सर कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ती रहती है, आपके संग भी अक्सर ऐसा होता है, लिंक अप ये सब जुड़ता है, आप किस तरीके से इस चीज़ को डील करती हैं, किस तरीके से देखती हैं जब सुबह अखबार पढ़ती हैं? मैं रिएक्ट ही नहीं करती, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ वॉट आई डू। अगर मैं एक्ट्रेस हूँ, अगर मैं लाइमलाइट में हूँ, तो ये सब चीज़ें लोग कहेंगे ही, पर मैं इन चीज़ों के ऊपर मैं फोकस और ध्यान नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ, मेरे फिल्म्स को एंजॉय करें, मेरे परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करें, और मैं बस यही चाहती हूँ। ये थी अमर सिंह दीपिका।